कोटिया फार्म च आया हाथी। अरे आ जा यार, वो इधर को घुमा दे क्यों बाप चल रहा। अरे धंधे में जा रहा हूं, कार्रवाई तो नहीं पा लगे। ओ मेरी मोटरसाइकिल तो पिछाड़ दियो सारे। दो हाथियों ने रविवार को रामपुर के बिलासपुर क्षेत्र में जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने एक पापड़ बेचने वाले और उसके कुत्ते को पटक पटक कर मार डाला। वहीं एक इंदरपुर गांव में एक किसान को घायल भी कर दिया। हाथियों के उत्पात मचाने पर डीएफओ और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। वन विभाग ने हाथियों को उत्तराखंड के जंगल में खदेड़ने की योजना बनाई, फिलहाल उसमें अभी कामयाबी नहीं मिली है। नेपाल से भटक कर आए दो नर हाथी बहेड़ी की ओर से शनिवार की रात ही बिलासपुर क्षेत्र में आ गए थे। हाथियों ने क्षेत्र के ग्रेवाल फार्म और इंदरपुर में जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने इंदरपुर गांव में एक किसान लखविंदर सिंह लखा को पटक कर घायल कर दिया। घायल को उत्तराखंड के बिहार अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं रेलवे क्रॉसिंग पर पापड़ बेचने वाले बिहार के छपरा निवासी बैजनाथ और उसके कुत्ते को हाथियों ने पटक पटक कर मार डाला। सब बिलासपुर में हाथियों ने आतंक मचा रखा है, इसमें दो लोगों को कुचल के मार भी दिया है। राजा मौके पर आए, क्या मामला है? ये दो हाथियों की यहाँ पर रखे जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने यहाँ पर नाकाबंदी करी, जिसमें कि इन हाथियों के द्वारा एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है इसी मामले में, और एक व्यक्ति घायल हुआ है इन्हीं के द्वारा। फिलहाल जो वन विभाग की टीम है और पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ मिल कर के जो ये हाथी हैं इनसे फिलहाल जो पब्लिक है उनको यहाँ से कॉर्डन करके इसको अलग रखा जा रहा है, उनसे सेफ डिस्टेंस पे रखा जा रहा है, और जो वन विभाग की टीम है वो जो अपना इन हाथियों को इनको कंट्रोल करने के लिए इनको यहाँ से सेफली एग्जिट करवाने में प्रयास कर रहा है। तंत्र इस समय हाथी की आबादी के बराबर खेत में है क्या? हाँ, इस समय जो जंगल और खेत साइड पर होने की सूचना है, और टीम 18 लोगों की टीम जो है इसमें लगातार उसके आसपास फेस कर रही है। फिलहाल हमारा यही प्रयास है कि पब्लिक को किसी प्रकार का कोई हार्म ना हो, और बाकी वन विभाग की टीम के द्वारा अपना कार्य किया जाए। और कुछ नहीं होता साले, बुरा लैंड की।